हुस्न का बाजार अदाओं की महफिल। जिस्म का सौदा आबरू की कीमत। दौलत की प्यास जिंदगी अय्याश। फरेब का जाल जेब मालामाल। लग रही बोलियां हसीनाओं की टोलियां। जमीर खामोश सांसें मदहोश। नशे की खुमारी अंधी कमाई की बीमारी। मजबूरी या मजा, जुर्म या सजा। अस्मत का व्यापार चल रहा है काला कारोबार। जी हाँ, साइबर सिटी में काला कारोबार चल रहा है। दौलत की चाह में जिस्म परोसे जा रहे हैं और नामुराद चाहतों की आड़ में आबरू की बोलियां लग रही हैं। क्राइम रिपोर्ट में इस खास पेशकश में मैं अनामिका अजय मिश्रा इसी काले कारोबार का पर्दाफाश करूंगी, क्योंकि ये गंदा है पर धंधा है। ये साइबर सिटी है, यहां दिन दौड़ते हैं तो रातें अय्याश होकर भागती हैं। कैसे देखिए। गुरु की इस बस्ती ने खुलेआम बलात्कार ही नहीं देखे, रात के नशे में तैरते बेलौस हुस्न भी देखे हैं। इसने देखा है पैसा पानी पर बहते हुए, इसने देखा है जिस्म तराजू पर तुलते हुए, और इसने देखी है इंसानियत मटिया मेट होते हुए। कहाँ का रहने वाला है? राजस्थान अलवर। ठीक, ओके। चल। क्या कर रहा था अभी? ये छोरी कहाँ गई थी? है? लड़की कहाँ गई थी? ये? हाँ। ये तो सर इसको लेके गया है। लड़की कौन है ये? ये तो पता नहीं, बस आर्मोर से लेकर। और ये किसी गाड़ी में बैठ के गई है? हाँ। सर ये धंधा ही धंधा वाली बोलती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ठीक। रात जैसे जैसे जवान होती रहती है, यौवन तमन्नाओं के बंधन तोड़ने लगता है। मर्यादाएं दौलत के ढेर पर मजबूर लेती हैं, और ख्वाहिशों का चांद फलक पर किसी बेनाम आरजू की खातिर हौले हौले रात की आगोश में डूब रहा है। इतना पता रात के डेढ़ बज रही है। चलो भाई, चलो रे, खड़े मत हो यहाँ पर। चलो चलो। ये रात को क्या कहीं से शराब बेच रहा था ना? अभी ऐसा कुछ था ना? हाँ, खड़े थे वहाँ पे, तो शराब दे ही रहा होगा ठेके वाला। हाँ, तो क्या कोई कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ? क्या कोई संज्ञान में लाएंगे? तो खड़े तो थे वहाँ पे। कौन सा इलाका है ये? सेक्टर 29 थाना का। ठीक। और ये चांद रोज ऐसे ही डूब जाता है, हौले हौले, चुपके चुपके, न किसी को खबर न किसी को पता। फिर ये अंधेरा अपनी आगोश में सब समेट लेता है, सब। न दिन दिन जैसे उजले, न रातें रातें जैसी थकी मांदी। यहां हर कष्ट में जिंदगी धुआं बनकर उड़ती है, तो हर जाम में गम घोलकर पिए जाते हैं। इस शहर के दिन दौड़ते हैं तो रातें बेलौस भागती हैं। अपनी ही धुन में, अपने ही रंग में और अपने ही ढंग में। जब दिन शाम की आगोश में जाकर थक कर सो जाते हैं, तब रातें जवान होती।
यहाँ की रातें कमबख्त ऐसी ही होती हैं, ना दिन दिन जैसे उजले और ना रातें रातें जैसी थकी मांदी। यहाँ हर कश में जिंदगी धुआं बनकर उड़ती है, तो हर जाम में गम घोलकर पिए जाते हैं। यहाँ मस्ती शराब में परोसी जाती है और मजा हुस्न की बाहों में तलाश किया जाता है, क्योंकि ये साइबर सिटी है। आज हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि J1 स्पा सेंटर है ग्रैंड मॉल में, वहाँ पे मसाज पार्लर की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है, जो कि हमने अपनी रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड की गई वहाँ पे, और करीबन 10-12 लेडीज और 10-12 जेंट्स को वहाँ से काबू किया गया है। J1 स्पा सेंटर है ग्रैंड मॉल में, वहाँ पे मसाज पार्लर की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है, जो कि हमने अपनी रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड की गई वहाँ पे, और करीबन 10-12 लेडीज और 10-12 जेंट्स को वहाँ से काबू किया गया है। मैम, ऐसे इलाके में और भी मसाज पार्लर चलते हैं क्या, उनको भी आगे आने का रेट थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हम कंटिन्यू रखेंगे और फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा कहाँ कहाँ चल रहा है सिटी में। मस्ती की इस मंडी और हुस्न के इस बाजार पर रोक लगेगी, दावा है ACP साहिबा का। लेकिन दावे हर बार फेल क्यों हो जाते हैं? हुस्न के इस बाजार में दौलत की तराजू पर कब तक ईमान की बोलियां लगती रहेंगी और कब तक आबरू के सौदागर अपनी अय्याश चाहतों की खातिर साइबर सिटी की इन गलियों को बदनाम करते रहेंगे? क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे वैश्यावर्ती के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। गुड़गांव के MG रोड स्थित ग्रैंड मॉल में J1 स्पा सेंटर में आज गुड़गांव पुलिस ने छापेमारी की, जहां पर 12 लड़के व 12 लड़कियों को गुड़गांव पुलिस ने हिरासत में लिया है। गुड़गांव पुलिस ने हिरासत में लेकर तुरंत जो है अभी गुड़गांव के सेक्टर 29 थाना पुलिस स्टेशन लेकर आई है, जहां पर उनसे पूछताछ कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि गुड़गांव में इस तरह के स्पा सेंटर काफी मात्रा में है, ऐसे में गुड़गांव पुलिस का कहना है कि जल्दी और भी स्पा सेंटरों पर छापेमारी की जाएगी। गंदा है पर धंधा है, जारी है एक खास पेशकश, जल्द हाजिर होते हैं। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. Always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपके साफ क्यों खराब हो? Well, Mr. खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यू ही टेंशन लेता हूँ, लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। आर्यन कोचिंग, कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गांव से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, HTET, CTET, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है, आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी, NH 8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर।
यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य लक्ष्य प्योर घी। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन ऑपोजिट पटौदी रोड पुलिस चौकी गुड़गांव। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो, मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हर गली हर नुक्कड़ पर दौलत के बाजार में हुस्न की मंडी सजी है। यहाँ कभी मसाज पार्लर तो कभी कोई स्पा सेंटर, जिस्म फरोशी का गोरख धंधा बेरोक टोक चल रहा है। देखिए शहर के MG रोड पर एक नामी ग्रामी स्पा और मशहूर मसाज सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का गोरख धंधा चल रहा था। एक खुफिया सूचना पर जब पुलिस की टीम ने रेड मारी तो करीब 2 दर्जन लोगों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया गया। हुस्न की इस मंडी में कुछ ऐसे भी चेहरे थे जो खुद को शर्मसार नहीं बल्कि गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। कुछ ऐसे जनाब को ये होश ही नहीं था कि वो कहां बैठे हैं और किस करतूत में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कोई गैंग है, वो एक नामी होटल है सोना रोड पे, उसके नाम से गूगल अलर्ट डाल रहा है कि इस होटल में आइए और जिस भी तरह की पसंद की लड़की आप चाहें वो लीजिए। उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, उससे संपर्क किया गया
फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे 7-8 लड़कियों की फ़ोटो भेजी, उसमें से एक को सिलेक्ट किया गया, हमारे एक पुलिस ऑफिसर के मोबाइल को यूज किया गया इसके लिए, और उसमें से इनिशियली उनकी डिमांड थी 10,000 की, और फिर 8,000 में वो लोग एग्री हुए थे, और इतना करके फिर उन्होंने सोना रोड पे लाके उस लड़की को होटल में भिजवाया। वहाँ से एक रेडिंग पार्टी तैयार थी, लेडी पुलिस ऑफिसर्स अलग थे और जेंट्स अलग थे, सिविल क्लोथ्स में थे, और इन लोगों तीनों को कल अरेस्ट किया है और थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया। तो अब जरा इन्हें भी देख लीजिए, ये जनाब हाईटेक तरीके से थे, धंधा वही है लेकिन तरीका नया है इनका। क्या करे, गंदा है पर धंधा है। ये गूगल अलर्ट पे अपनी ऐड डालते थे कि किसी को भी किसी शारीरिक संबंध के लिए कोई पार्टनर चाहिए तो इस पे संपर्क करें, उस पे जो भी क्लाइंट होता था संपर्क करे, वो फोटो देते थे और जो लड़की सेलेक्ट होती थी वही ये सप्लाई करते थे। ये जो तीन पकड़े गए हैं, एक लड़की और दो लड़के हैं, और इनके जो दो मेन जो इस इवेंट को चलाते हैं वो अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनके नाम आ चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र करेंगे। सदर थाने में पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो इंटरनेट का सहारा लेकर सोहना रोड पर एक नामचीन होटल में सेक्स रैकेट चला रहे थे। पुलिस ने एक बोगस ग्राहक बनकर 10,000 की डील फिक्स की और इस शातिर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। शहर के एक मशहूर होटल में जिस्म की मंडी सजती रही और पुलिस प्रशासन अनजान रहा, बात समझ से परे है। क्राइम डेस्क हरियाणा न्यूज। आखिर ये सेक्स रैकेट चलता कैसे है, कैसे इसके सौदागर जिस्म की मंडी सजाते हैं, हुस्न की बोलियां कैसे लगती हैं और कैसे ग्राहकों को अपने जाल में फंसाया जाता है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अब बताते हैं आपको इस गंदे धंधे की असली हकीकत। उस नामी गिरामी स्पा और मसाज सेंटर की असली कहानी ये है कि मसाज सेंटर के रिसेप्शन काउंटर पर मसाज के लिए बुकिंग होती है और इसके लिए बकायदा इश्तेहार दिए जाते हैं। इश्तेहारों से खिंचकर ग्राहक यहाँ हुस्न की मंडी में आता है, बुकिंग कराता है और फिर शुरू होती है असली कहानी। उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, उससे संपर्क किया गया, फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे 7-8 लड़कियों की फ़ोटो भेजी, उसमें से एक को सिलेक्ट किया गया, हमारे एक पुलिस ऑफिसर के मोबाइल को यूज किया गया इसके लिए, और उसमें से इनिशियली उनकी डिमांड थी 10,000 की, और फिर 8,000 में वो लोग एग्री हुए थे, इतना करके फिर उन्होंने सोना रोड पर ला के उस लड़की को होटल में भिजवाया। के एक छोटे से कमरे में कहानी के किरदार अपनी अय्याश चाहत को, हुस्न को सांचे में ढालकर अपनी मचलती तमन्नाओं को आखिरी घूंट तक पीते हैं। तो उधर इंटरनेट वाला जाल भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा फर्क है। यहाँ इंटरनेट के जरिए ग्राहक तलाशे जाते हैं, नंबर देकर कांटेक्ट किया जाता है और फिर हुस्न की पोटली खोल दी जाती है। पसंद आने पर डील फिक्स होती है और फिर वही खेल जिसे खेलना तो हर कोई चाहता है लेकिन बंद पर्दों के भीतर। क्राइम डेस्क हरियाणा न्यूज। साइबर सिटी में हुस्न की बोलियां लगे या ना लगे, लेकिन हरियाणा न्यूज हमेशा सच बोलता रहेगा क्योंकि हम हैं सच के साथ खबरें विभाग। नमस्कार।